और मैं दो बजे से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी, 4 बजे ड्यूटी करके मैं अपने मोर्चे से गया था। उसके दौरान फ्रेश हुआ, पानी भरने गया और देखा तो 5 बजे के लगभग, कोई भी टाइम हो सकता, मेरे को जानकारी नहीं है, फायरिंग शुरू हो गई। मैं भी अपना दौड़ के आया, अपना हथियार को पकड़ा, हथियार पकड़ के जैसे सब कंपनी वाले अपनी पोजिशन ले रखे थे उसी तरीके से मैं भी अपना पोजिशन लेके अपने सुरक्षित रूप में अपनी जगह पे उनको फ्रेश खड़ा हुआ था। किसने गोली चलाई, कौन मारा, मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है। कंपनी कमांडर आए और उनके साथी आए, मेरे को पकड़े, बोलो नहीं तू नहीं मारा है, मेरे को खींच के ले जा करके मुझे थाने में बंद कर दिया गया। अब कौन मारा, क्या मारा, किसने मारा, अब मुझे मालूम ही नहीं है। मेरे पास दूसरा हथियार है, बताते हूँ, मरे किसी दूसरे हथियार से। अब सब पूरा आरोप ला करके मेरे सामने रख दिया गया है और जो मैं आपके समक्ष ये बैठा हुआ हूँ। कुछ ऐसे कोई कारण है कि जो आपको कोई भी मेरे ऐसा कोई बहुत सारा साथ साथ ड्यूटी करते छोटी मोटी सब बातें होती रहती हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कोई किसी को मार देगा। किसी विभाग में हो गया कोई, ये तो नहीं है छोटी बात कोई हो गई तो किसी को कोई मार तो नहीं देगा। मैं भी अपना परिवार को चलाने आया हूँ, वो भी परिवार को चलाने आए हैं।